तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो है आज ईद का दूसरा दिन है और इंडिया में शायद आज ईद है, तो मैं जो है आप लोग के साथ एक वीडियो ऐसी शेयर करने जा रहा हूँ जिससे जो है आप लोग को जो है कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोग को जो है कुछ पता भी लगेगा इसके विषय में कि जो है यहाँ पर कैसे क्या होता है। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग को पता चली गया होगा किस चीज़ के ऊपर है। जो है जैसे जब भी हम जो है इंडिया से यहाँ पर आते हैं तो उनमें से चाहे जो भी अरब कंट्री हो, किसी भी अरब कंट्री में होगा, तो उन सभी कंट्रियों में जो है इंडिया से जो है मुस्लिम्स लोग यहाँ पर भी आते हैं और नॉन मुस्लिम लोग यानी कि जैसे उसमें हिंदू हैं और क्रिश्चियन हैं तो सिख लोग भी आते हैं, तो उन सभी लोगों को जो है यहाँ पर जो है जॉब करते हैं। तो उन सभी लोगों के साथ में जो है ईद में क्या होता है, क्या जो है उनको प्रॉब्लम का सामना जो है करना पड़ता है, ये सभी जो है आज मैं आप लोग को बताऊँगा। तो मुझे जो है यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया, लगभग ये मेरा 14 साल चल रहा है यहाँ पर, 4th ईयर हाँ, 14 साल नहीं 4th साल चल रहा है। तो उसमें जो है मैंने बहुत कुछ जो है सीखा है, तो वही मैं जो है आज आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जो है आप लोग को जो है सारा कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनमें से सभी लोग जो है मुस्लिम नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है नॉन मुस्लिम भी हैं और कुछ लोग नहीं, मतलब बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जो मेरी तरीके हैं नॉन मुस्लिम लोग हैं, हिंदू धर्म से हैं, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो है ईद में, ईद या कोई भी त्यौहार हो, जैसे ईद क्या जो है आपको जब भी यहाँ पर आओगे तो ईद में आपको जो है यहाँ पर देखने को थोड़ा रौनक ज़्यादा मिलेगी दूसरे किसी भी जो है फेस्टिवल के मुताबिक, क्योंकि जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग के कई त्यौहार होते हैं, होली है, दीपावली है, ठीक है, ऐसे त्यौहार बहुत सारे आते हैं, तो उन सभी का जो है क्रेज़ यहाँ पर ज़ीरो के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक मुस्लिम्स कंट्री होती हैं तो उसमें जो है आपको ऐसा ये नहीं है कि रोकथाम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जो है यहाँ पर उतना ज़्यादा क्रेज़ इन सभी चीज़ों का नहीं होता है। तो जितने भी लोग जो है काम करते हैं वो सभी लोग जो है अपनी अपनी कंपनियों में काम करते हैं तो उतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, जितने भी लोग जैसे हिंदू होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, तो वो जो है अपनी कंपनी के अंदर जितने भी हिंदू लोग होते हैं या मुस्लिम लोग होते हैं सब मिल के जो है सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो है बाहर उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ईद का क्या है भैया, यहाँ पर जो है मुस्लिम जो है कंट्रीज़ हैं तो अरब कंट्री है और उसके बाद में जो है जितना भी इनका जो फेस्टिवल होता है वो सभी जो है बाहर खुल करके होता है, तो सभी लोग जो है खुल के सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें जो है छुट्टियाँ वगैरह जो भी है सभी को बराबर मिलती हैं, जैसे हिंदू है या मुस्लिम है तो उसमें जो है ईद की छुट्टियाँ जो है सबको बराबर मिलती हैं, और उसमें कंपनीज़ का जो सिस्टम होता है कि मतलब ईद देते हैं तो किसी किसी कंपनी में पैसे देते हैं या कुछ और भी देते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादातर कंपनियों में जो है पैसे ही दिए जाते हैं। तो जैसे हमारी कंपनी में था उसमें जो है पैसे दिए गए, मैं हिंदू था लेकिन जो भी दूसरे लोग थे वो मुस्लिम थे, लेकिन सबको जो है हक सेम सेम ही दिया जाता है, जितना कि जो है उनको दिया जाएगा उतना मुझको दिया जाएगा, तो छुट्टी का जो प्रोसेस होता है वो भी सेम होता है, तो ऐसी कोई भेदभाव वाली समस्या नहीं होती है कि जो है हिंदू को जो है कम दिया जाएगा क्योंकि उनका फेस्टिवल नहीं है, ये तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे भी मैं अपनी खुद की बात करूँ, जो मेरी कंपनी में जो पैसे मिले हैं तो एक एक आदमी को लगभग जो है यहाँ का 100 दिरहम मिला है, तो इंडिया का लगभग 2000 हो गया है, 2000 रुपये, ठीक है, तो हर किसी आदमी को जो है उसकी कंट्री का जो भी बने लेकिन यहाँ के हिसाब से 100-100 दिरहम मिला है। तो कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो 200-200 भी दे सकती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो थोड़ा कम देती होंगी या उनका कुछ अपना और सिस्टम होगा वो कुछ और देती होंगी, ठीक है। तो छुट्टियाँ भी अलग अलग सिस्टम होते हैं, कुछ जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर जो है आपको छुट्टी 2 दिन की मिल सकती है और किसी जगहों पे 3 दिन की होती है, किसी किसी जगहों पे 4-4 दिन की, वैसे गवर्नमेंट के हिसाब से इस दफ़ा लगभग 4 दिन की छुट्टी थी, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम लोग का प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट काम है, तो उसकी वजह से जो है प्राइवेट हम लोग को 3-3 छुट्टियाँ मिली थी और 3.5 छुट्टियाँ, क्योंकि ईद के एक दिन पहले से हम लोग को आधी छुट्टी हो गई, तो 3.5 छुट्टियाँ हम लोग को मिली थी, ठीक है। तो भेदभाव ऐसी कोई समस्या नहीं, और जो भी जैसे आपको बता दूं जो भी होली है, दीपावली है, ये सभी फेस्टिवल होते हैं तो उनका क्रेज़ यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो जो है खुल के सेलिब्रेट नहीं होते यहाँ पर। तो हम लोग को जो है मतलब नॉर्मली पता चलता है कि हाँ हम लोग आपस में सेलिब्रेट कर लेते हैं,
कि जो है जो भी एक दो लोग हैं वही सेलिब्रेट कर लेते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा धूमधाम नहीं होता है, क्योंकि जो त्यौहार कोई भी हो अपने घर का त्यौहार होता है। तो ईद है, जिन लोग जो है जितने भी लोग जो है मुस्लिम हैं वो भी लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, तो वो लोग जो है अपने घर की तरीके भी यहाँ पर जो है सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो दिक्कतों का सामना वैसा किसी को भी यहाँ पर भी नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी त्यौहार में किसी भी तरीके की किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि भैया ईद में जो है कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको जो है बराबर का ही हक दिया जाता है जो भी जिस किसी भी धर्म का होगा। ऐसा कोई भी जो है ख़ासतौर पे यूएई के अंदर ऐसा सिस्टम होता है, बाकी दूसरी जगहों का मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन सुनने में यही आता कि भी हर जगह जो है बराबर होता है। तो मैं यूएई के अंदर होता हूँ, यूएई में ऐसा कोई भी सिस्टम कुछ भी जो है नहीं होता कि जो है कुछ डिफरेंस किया जाता हो किसी भी के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। ये वीडियो मैं जो है काफ़ी दिनों के बाद जो है अपलोड किया था, तो अब रेगुलर मैं जो है वीडियोज़ बनाता रहूँगा, क्योंकि अभी जो है टाइम धीरे धीरे करके मैं निकालूंगा। वैसे मैंने एक मैं ये जो है कहता तो हर दफ़ा हूँ लेकिन करता नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा आगे की तरफ ज़रूर करने की कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए जो है, आप लोग जो भी जो है कॉमेंट कर रहे हो मेरी वीडियोज़ पर, पुरानी वीडियोज़ पर जो उन पर जो है मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर कीजिएगा, और बगैर लाइक किए मत जो है जाइएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।